हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनीज़ के रिजल्ट से रिलेटेड। तो एक एक करके उनके रिजल्ट देखेंगे, क्विकली रिजल्ट देखेंगे। बाकी आप भी चाहो तो अपनी तरफ से जाके एक एक कंपनी के अलग अलग से पूरी तरीके से रिजल्ट पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे आज की डेट में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, तो आप देख लीजिएगा। आरती डेक्स आज भागा है, SIS भी उस तरीके से भागेगा। बायबैक की उसकी डेट्स आ गई है जब टेंडर के थ्रू आपके शेयर लिए जाएंगे। एज वेल एज बात करें यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ की कंपनियाँ कौन सी अच्छी है उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो और दो तीन कंपनी और उनसे रिलेटेड वीडियो में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम जिस वीडियो से रिलेटेड बातें करने वाले हैं रिजल्ट, तो टाटा जो कंज्यूमर के रिजल्ट आज हुए हैं, ओके, तो हम टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले देख लीजिए यहाँ पर डिविडेंड 4.05 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। और अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आफ्टर द AGM एंड विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन सब्जेक्ट टू बीइंग, तो मतलब ये फाइनल डिविडेंड है, तो इट विल टेक टाइम, ओके। अभी यहाँ पर AGM होगी, जनरल मीटिंग होगी, उसके बाद ही यहाँ पर ये सब चीज़ देखने को आपको मिलेगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये शेयर रखना ही है, आपको पता ही है, इससे पहले भी न्यूज़ बता चुका हूँ। बिग बास्केट के साथ भी इनका टाई अप हो चुका है, उधर से शेयर खरीद लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो सेम इसी तरीके से करोड़ में ये रिजल्ट है, और ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट Q3 के, और ये Q4 के लास्ट ईयर के। तो हम टोटल इनकम देखते हैं, तो टोटल इनकम देख लीजिए 1878 करोड़ रुपए है, इससे पहले 1987 करोड़ था। और अगर बात करें एक साल पहले की तो 1352 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इनकम थी। तो अगर हम देखते हैं ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है। लगभग अगर बात करें 110 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर गिरावट हमें नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस में कंपनी ने काफी जोर पकड़ा है, मतलब अपने आपके एक्सपेंस कम कर दिए, जो कि काफी अच्छी बात है। यहां पर देखिए 1749 करोड़ रुपए के एक्सपेंस है, इससे पहले 1800 करोड़ के एक्सपेंस थे। और अगर बात करें लास्ट ईयर की तो 1214 करोड़ रुपए के यहां एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस क्वार्टरली वाइज ईयरली वाइज बढ़ते हुए दिखाई रहे, बट क्वार्टरली वाइज यहां पर लगभग कंपनी ने बात करें 56 करोड़ रुपए के एक्सपेंस कम करते हुए नजर दिखाए। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, ओके, यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 81 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ कंपनी को नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम की बात करें तो 136 करोड़ था। और अगर बात करें लास्ट ईयर की तो 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो ईयरली वाइज कंपनी ने 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर जंप किया है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। और कम क्यों नज़र आ रहा है इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब आप टैक्सेस वगैरह शायद यहाँ पर ज़्यादा लगते हुए नज़र आए हैं, ओके। तो यहाँ पर एक तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर टोटल इनकम कम हुई है, ओके, इस वजह से भी यहाँ पर सीधा इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है। EPS की बात करें तो 1900 रुपये, अगर यहाँ पर देखते हैं अब हम अर्निंग पर शेयर, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0.89 रुपीज़ का अर्निंग शेयर है। अगर बात करें इससे पहले 1.48 रुपये का था, और इससे पहले बात करें 77 पैसे का EPS हमें नज़र आ रहा था। तो EPS ईयरली वाइज बढ़ रहा है, क्वार्टरली वाइज घट रहा है। तो देखिए कंपनी के रिजल्ट इस बार क्वार्टरली वाइज कम आया, बट ईयरली वाइज ठीक ठाक है। तो कंपनी ने रिजल्ट तो सही पेश करे है, और आगे चल के हमें पता भी है टाटा के शेयर, ओके, अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और अगर बात की जाए इनका सुपर ऐप भी आ रहा है, तो इस शेयर को आपको ऑब्वियसली बातें नज़र में रखनी ही है, और इसे अपने पोर्टफोलियो में भी जगह देनी है। लॉन्ग टर्म का अगर प्रोस्पेक्टस देखें तो अच्छा खासा आपको ये कंपनी आपको गेन देती हुई नज़र आएगी, और काफ़ी अच्छा भागा भी है। 4 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन, ओके, अदानी के दो ग्रुप के दो शेयर है जो कि आपको आज रिजल्ट पेश करते हुए नज़र आए हैं। तो अदानी ट्रांसमिशन इसमें से एक है। तो अगर बात करें डिविडेंड की तो मुझे लग नहीं रहा इनका इस कंपनी ने इस बार डिविडेंड कुछ अनाउंस किया है, बट किया होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा डेफिनेटली, ओके। सीधे रिजल्ट पे हम यहाँ पर चलते हैं, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। हम बात करें इन करोड़ में ये सारे फिगर है। तो अगर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, ओके, ये इस बार के रिवेन्यू है, लास्ट अगर बात करें लास्ट क्वार्टर के,
और ये लास्ट ईयर की। तो इस बार जो टोटल इनकम हुई है 613 करोड़ रुपए की हुई है, और अगर इससे पहले की बात करें तो 480 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम थी, और इससे पहले 911 करोड़ रुपए की क्वार्टरली ईयरली वाइज थी। तो ईयरली वाइज देखिए काफ़ी अच्छी गिरावट है, लगभग 300 करोड़ रुपए की गिरावट नज़र आ रही है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है साफ के साथ। तो अगर टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंस 630 करोड़ रुपए के, मतलब अब बात करें 613 रुपए कमाए हैं और 613 करोड़ कमाए और 630 करोड़ रुपए यहाँ पर एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के घाटे में रिजल्ट है। लास्ट टाइम भी सेम इसी तरीके से हुआ था, खर्चा ज़्यादा था, उससे पहले भी देखें तो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, मतलब इतने एक्सपेंस नहीं थे। तो हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी के जो रिजल्ट है नेगेटिव में आए होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 16 करोड़ रुपए का लॉस है, लास्ट टाइम 4 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर अच्छे, आपको पता ही है कंपनी में, ऐसी कंपनी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अच्छा खासा लॉस दे सकती है। ईपीएस भी देखिए नेगेटिव में, इससे पहले भी नेगेटिव में था, तो ईपीएस तो नेगेटिव में इनका चल ही रहा है, तो इस कंपनी से आपको दूर रहना है। ओके, इसके शेयर भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, क्या नाम है, अडानी ट्रांसमिशन। इसके अलावा बात कर लेते हैं अडानी पावर की। ओके, अडानी पावर ने भी आई थिंक कोई डिविडेंड नहीं दिया है, इनके भी रिजल्ट शायद कुछ खास ना रहे हो इस वजह से। तो अगर बात करते हैं शेयर तो अच्छे खासा भागा है, ये रिजल्ट भी इन करोड़ में ही है। तो अगर हम इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है टोटल इनकम, लगभग 6902 करोड़ रुपए की यहाँ पर इनकम हुई है, इससे पहले 7099 करोड़ की इनकम थी, और बात करें इससे पहले टोटल इनकम की बात करें तो 6327 थी। तो ईयरली वाइज अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा गिरावट है, या आप कह सकते हैं फ्लैट, मतलब 100 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर अंतर आ रहा है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस बार 6667 करोड़ के एक्सपेंस है, इससे पहले 7304 करोड़ रुपए के एक्सपेंस थे, और उससे पहले बात करें 7980 करोड़ रुपए के एक्सपेंस थे। तो इसलिए मेरे को लगता है लास्ट टाइम तो नेगेटिव में रिजल्ट होगा। ओके, इससे पहले भी नेगेटिव में, और अभी की बात करें तो कंपनी पॉजिटिव में अपने आप को कर पाई होगी। तो अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, तो इस बार 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, इससे पहले कंपनी ने 288 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था, और उससे पहले 1312 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके अपने आप को परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो आप इस चीज को देख के कि कंपनी धीरे धीरे, पहले देखिए सबसे ज्यादा लॉस था 1300 करोड़ का, फिर 2800, अभी 13 करोड़ का प्रॉफिट, और शायद अगली बार और ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ नजर आए। तो लॉन्ग टर्म के व्यू रख के और आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते हुए इस कंपनी में उसी हिसाब से आपको रहना है। ओके, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, वरना आप फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देख लीजिए, इस बार का ईपीएस 83 पैसे नेगेटिव में है, इससे पहले 1.83 रुपये पैसे नेगेटिव में था, इससे पहले 3.98 रुपये पैसे नेगेटिव में था। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, इस कंपनी की तरफ बने रहना है या नहीं बने रहना है वो आपका डिसीजन है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी परफॉर्म कर रही है, बट प्लेजिंग भी है, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर कंपनी के पहले लॉस बहुत ज़्यादा भी है और कंपनी के पास कर्जा भी है। इसके अलावा जो रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं वो पीएनजी हेल्थ के हैं। तो पीएनजी हेल्थ का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इस कंपनी ने आई थिंक डिविडेंड पे किया होगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं आ रहा है डिविडेंड से रिलेटेड। तो आपको एक बार एनएससी की साइट पे जाके आप देख लीजिएगा, आपको पता ही है एनएससी कैसे देखते हैं, हम हमेशा अपनी वीडियो में बताते भी है। तो रिजल्ट देखिए इन लैक्स में है। तो अगर हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम की बात करते हैं सीधे, तो यहाँ पर देखते हैं तो 22,239 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 24,594 था, और इससे पहले 23,836 लैक्स इन रुपीज़। तो अगर बात करें ईयरली और क्वार्टरली दोनों वाइज यहाँ पर टोटल इनकम कम होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो अभी 19,629 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 15,951 था, इससे पहले 17,360। तो देखिए कंपनी क्या कहते हैं, इनकम तो कम करती हुई नज़र आ रही है, राइट, बट यहाँ पर अदर इनकम से रिलेटेड भी है, बट कोई नहीं, टोटल इनकम की सीधे बात करते हैं। कंपनी देखिए इनकम वाइज कम, ईयरली क्वार्टरली वाइज कम दिखा रही है, बट एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस जिस कंपनी एक्सपेंस का ज़्यादा करती हुई नज़र आ रही है, इससे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सब चीज़ पे। ओके, एंड इस सारे फैक्टर को आपको ध्यान देना है, वरना आप कंपनी के साथ लॉस भी खा सकते हैं। वैसे PGHL में आई थिंक काफ़ी अच्छी PGHL काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है, बट अगर हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो 1577 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 6788 करोड़ का प्रॉफिट था, और इससे अगर बात करें लास्ट ईयर की तो 4646,
ओके करोड़ लाख से रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा था। तो क्वार्टरली और ईयरली वाइज दोनों वाइज यहाँ पर काफ़ी सारी गिरावट नज़र आ रही है, लगभग तीन बात करें तीन गुना से ज़्यादा यहाँ पर क्वार्टरली वाइज कम इनकम हुई है, इसके अलावा ईयरली वाइज की बात करें तो तीन गुना कम हुई है। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो कंपनी मतलब ग्राफ इसका नीचे की तरफ जाता जा रहा है, ओके तो कल की डेट में यहाँ गिरता हुआ नजर आ सकता है। ईपीएस की बात करें तो 9 रुपये का यहाँ पर ईपीएस है, लास्ट टाइम 40 का ईपीएस था, उससे पहले 28 का। तो देखिए ये ईपीएस भी सारी की सारी गाथा आपको बताता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर बात करते हैं दूसरी और कंपनी की तो सोलारा के रिजल्ट आई थिंक काफ़ी बेहतरीन आए हैं, ओके एंड हम बात करेंगे इसके डिविडेंड। हाँ, इस कंपनी ने शायद डिविडेंड दिया है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पर देखना पड़ेगा एक मिनट। हाँ तो यहाँ देखिए 3 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी पेड करती हुई नजर आई है। सेम पहले जनरल मीटिंग होगी, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड देते हुए कंपनी नजर आएगी। तो अगर यहाँ पर रिजल्ट पढ़ लेते हैं इस कंपनी के, होप आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, ओके यहाँ पर इन करोड़्स में ये सारे के सारे डेटा है। अगर बात करते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा, तो मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो अच्छा खासा रिजल्ट होने की आशा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए 453 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है, इससे पहले 434 करोड़ का था इससे, और ईयरली वाइज अगर देखें तो 308 करोड़। तो ईयरली वाइज अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर अच्छा खासा जंप हमें नज़र आ रहा है। एक्सपेंस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देख लीजिए आप, तो टोटल एक्सपेंस देखते हैं 397 करोड़ के एक्सपेंस हुई है, इससे पहले 369 करोड़ के एक्सपेंस थे, और इससे पहले अगर बात करें 291 करोड़ रुपये के एक्सपेंस थे एज पर द रिवेन्यू और ऑपरेशन या फिर टोटल इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक मिनट याद दे दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 56 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, पहले 65 करोड़ का प्रॉफिट था और अगर बात करें इससे पहले 17। तो ईयरली वाइज अच्छी खासी जंप है, लगभग 3 गुना यहाँ पर जंप नज़र आ रही है, बट क्वार्टरली वाइज देखते हैं तो लगभग 9-10 करोड़ रुपये का यहाँ पर लॉस नज़र हमें आ रहा है, मतलब 9-10 करोड़ रुपये यहाँ पर कंपनी ने कम प्रॉफिट करते हुए नजर आई है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। तो आपको ये सब चीज़ देखनी है। इसके अलावा ईपीएस की बात करते हैं, इस बार का ईपीएस 15 रुपये 57 पैसे का है, इससे पहले 18 रुपये 47 पैसे का था, इसके पहले बात करें तो 6 रुपये 78। तो ईयरली वाइज अच्छी परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी डल है, बट कंपनी अच्छी है तो बने रह सकते हैं सोलारा फार्मा के इससे के साथ। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर से रिलेटेड, तो यहाँ पर दूसरी कंपनी की बात करते हैं ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार कंपनी आपको पता ही है एसी बनाती हुई हमें नजर आती है। डिविडेंड तो कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड, द फाइनल बोर्ड रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹4, मतलब 4 रुपये का डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 2, मतलब 2 रुपये का फेस वैल्यू के साथ 4 रुपये का आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आया है ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ये कम मिलता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा। तो 4 रुपये का कंपनी ने अनाउंस किया है और ये कौन सा है फाइनल डिविडेंड है, आई थिंक हाँ फाइनल डिविडेंड है, तो शायद 1-1.5 महीना का टाइम ले सकता है। इसके अलावा इसके रिजल्ट देख लेते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर है, हमने लिया था, शायद ये भागेगा बट ये इतना भागा नहीं, इसने करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट है। अगर देख लेते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लॉन्ग, अभी गर्मी पड़ रही है तो शायद ये शेयर और भागता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। इनकम अच्छी हुई अगर तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम, तो टोटल इनकम 1651 करोड़ रुपये का यहाँ पर टोटल इनकम है, इससे पहले 1131 करोड़ था, इससे पहले बात करें 1305 करोड़। तो ईयरली वाइज तो देखिए अगर बात करें 350 करोड़ रुपये का इनकम ज़्यादा हुई है, और क्वार्टरली वाइज बात करें तो लगभग 500 करोड़ रुपये के आसपास की ज़्यादा इनकम हमें होती हुई नजर आ रही है, 450 करोड़। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से होते हुए नजर आए हैं। एक्सपेंस अगर हम बात करते हैं, एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं रिचार्ज चार्जिंग पे लगा देता हूँ। सॉरी, आपसे माफी मचाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल एक्सपेंस, तो 1548 करोड़ के एक्सपेंस हुए, इससे पहले 1083, और अगर बात करें इससे क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर में अगर बात करें 1292 करोड़ रुपए के यहाँ पर एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रॉफिट भी यहाँ पर इसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। बट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 67 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है, इससे पहले 35 करोड़ था, तो कह सकते हैं लगभग दुगना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए
8 करोड़ का प्रॉफिट था। लगभग लगभग एक साल में इस कंपनी ने 8 गुना यहाँ पर एक अपना प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिखाई दिया। तो कंपनी के साथ आपको रहना है, ओके, कल भागता हुआ दिखाई दे सकता है ये शेयर, क्योंकि अच्छे खासे इसके रिजल्ट मुझे लग रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा EPS की बात करते हैं, 7 रुपये का EPS आ गया है, 3 रुपये 81 पैसे का EPS पहले था और 92 पैसे का EPS, मतलब देखिए 8 गुना ही कह सकते हैं, सीधे 7 गुना, और 2 गुना की बात करें तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर परफॉर्म किया। तो ब्लू स्टार के साथ रहिए, ओके, अच्छा खासा आपको 2-4 दिन में भागता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर। तो ये सारे के सारे कंपनी थी, कौन सी, तो ब्लू स्टार, जिसने आपको 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। बात करें सोलारा, अच्छे रिजल्ट आए हैं, ओके। इसके बाद अडानी की बात करें, आप PNG के रिजल्ट इतने खास नहीं है, ओके, एवरेज है। और बात करें अडानी के, दोनों ट्रांसमिशन एंड पावर इतने खास रिजल्ट नहीं है, ओके, अपने हिसाब से यहाँ पर रिस्क आपको बहुत ज़्यादा है। एज वेल एज अगर बात करें अडानी में, अडानी गैस ही सबसे अच्छा है और अडानी गैस के रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं। और बात करें टाटा कंज्यूमर, रिजल्ट क्वार्टरली वाइज थोड़े गिरते हुए नजर आए, ईयरली वाइज बढ़ते हुए नजर आए, बट स्टिल आपको ऐसी कंपनी के साथ रहना है, FMCG के साथ सेक्टर है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, अच्छे खासे आपको यहाँ पर भी पैसे बनते हुए नजर आएंगे। और जो कंपनी के ऐसे रिजल्ट के साथ अच्छा आप रहोगे, तो ऑब्वियसली बात है टाटा ग्रुप आपको बेहतरीन रिटर्न फ्यूचर में भी पेश करता हुआ नजर आएगा। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, और बाकी की वीडियोज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, सारी बेहतरीन वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, नए आए तो बेल आइकन को भी हिट करें और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।